साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए अब 9 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक भी पूरे सच का सिर्फ इंतजार ही किया जा रहा है। सुशांत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अब तक भी इस पर पुख्ता रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन अब जो एक डील का पर्दाफाश हुआ है वो बेहद हैरानी भरी है। उस डील ने ना सिर्फ सुशांत के फैंस को बल्कि बॉलीवुड के उन लोगों को भी हैरान कर दिया जो सुशांत से जुड़े थे। हालत ये है कि 11 करोड़ का पूरा लिंक सामने आ गया है और सॉरी बाबू कहने वालों की ऐसी पोल खुली है कि पूरा सच सामने आ गया। तो क्या है इस करोड़ों की डील का पूरा सच, कैसे हुआ ये सब कुछ और कैसे अब सुशांत का नाम बेचा जा रहा है, आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत अब 14 जून को हमारे बीच से चले गए थे, तो उसके बाद पहला आरोप रिया चक्रवर्ती पर ही लगा था। रिया पर ही आरोप लगा कि रिया ने सुशांत को परेशान किया और मजबूर किया। हालांकि अब तक इसमें पूरा सच सामने नहीं आ पाया है, लेकिन रिया को लेकर ना सिर्फ सुशांत के परिवार वाले साथ ही साथ सुशांत के फैंस भी कहते रहे हैं कि रिया का कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती को लेकर सुरजीत सिंह राठौड़ नाम के एक शख्स ने बड़ा और गंभीर खुलासा किया था। सुरजीत सिंह राठौड़ वही शख्स है जो रिया चक्रवर्ती को 15 जून को कूपर अस्पताल लेकर गए थे और रिया को आखिरी बार सुशांत के दर्शन कराए थे। सुरजीत सिंह राठौड़ ने ही टीवी चैनल्स पर लाइव बैठकर खुलासा किया था कि रिया ने आखिरी बार सुशांत को देखकर सॉरी बाबू बोला था और माफी भी मांगी थी। अब शुरुआत में रिया को लेकर सवाल उठे तो बाद में सुरजीत सिंह राठौड़ को लेकर भी सवाल उठे और सुरजीत को भी गलत बताया गया। अब बड़ी खबर ये है कि उसी सुरजीत सिंह राठौड़ को फिल्मों में ब्रेक दिया जा रहा है और वो भी सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। जी हाँ, कल तक उसी सुरजीत को कोई नहीं जानता था। उस सुरजीत जैसे लाखों लोग हैं जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन अब उसी सुरजीत को लेकर फिल्म बनाई जा रही है। हैरानी सिर्फ इतनी नहीं है कि सुरजीत फिल्मों में आ रहा है, बल्कि हैरानी इस बात की है कि सुरजीत को हीरो बनाकर लॉन्च करने वाले प्रोडक्शन हाउस का नाम SSR फिल्म्स है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा है। सुशांत के नाम पर SSR के नाम पर फिल्म का बैनर तक बना दिया गया है ताकि सुशांत के फैंस का साथ मिल सके और उसी बैनर तले रिया चक्रवर्ती की मदद करने वाले सुरजीत सिंह राठौड़ को लॉन्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, सुरजीत सिंह राठौड़ के साथ फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का बजट तकरीबन 11 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, यानी 11 करोड़ रुपए लगाकर सुशांत के नाम पर बॉक्स ऑफिस से या फिर OTT सेगमेंट से करोड़ों रुपए बटोरने का पूरा प्लान है। एक तरह से सुशांत के नाम का इस्तेमाल करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। सुशांत की मौत को भी बेचने का पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। आगे देखिए, दबंगई अ डिफरेंट लव स्टोरी नाम की इस फिल्म को ज्ञान जंत देवपति नाम के शख्स अपने बैनर तले बना रहे हैं। अब इसमें खबर ये है कि ज्ञान जंत देवपति को SSR फिल्म नाम से बैनर बनाने का आइडिया इसी सुरजीत सिंह राठौड़ ने दिया था और इसी सुरजीत की वजह से सुशांत के नाम से बैनर बनाकर फिल्म बनाई जा रही है और इसीलिए फिल्म में सुरजीत सिंह राठौड़ को लिया गया है। अब हालत यह है कि सुशांत के नाम का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, सुशांत की लेगेसी को भुनाने की कोशिश हो रही है और वो भी सुशांत के नाम का, सुशांत के फेम का इस्तेमाल वो शख्स करना चाहता है जो कि रिया चक्रवर्ती का मददगार रहा है, जो रिया को आखिरी बार सुशांत को दिखाने कूपर अस्पताल तक ले गया था। हालांकि बाद में पब्लिसिटी के लिए खुद सुरजीत ने रिया को बहुत बुरा भला भी कहा था, लेकिन अंदर की खबर यहाँ ये है कि सुरजीत और रिया के काफी अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये मामला सुशांत के खिलाफ ही साजिश माना जाएगा और 11 करोड़ की फिल्म का ये कॉन्ट्रैक्ट सुशांत के ही नाम पर है। तो आपका इस पूरे खुलासे पर, इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
तो 16 दिसंबर 2012 की तारीख को शायद कोई नहीं भुला सकता। दिल्ली की बस में जो गुनाह हुआ, जो तांडव हुआ, वो न सिर्फ एक लड़की के सपने चकनाचूर कर गया, बल्कि उस लड़की के परिवार को हमेशा के लिए अपाहिज बना गया। उस वक्त पूरी दुनिया निर्भया के इंसाफ के लिए खड़ी हो गई, शहर शहर जनता इंसाफ के लिए सड़क पर आ गई, और सबसे बड़ी हिम्मत तो निर्भया की माँ ने दिखाई, जिन्होंने महीने दो महीने नहीं, साल दो साल नहीं, बल्कि पूरे 8 साल तक धैर्य रखा और साहस दिखाया और अपनी बेटी के चारों मुजरिमों को फंदे तक पहुंचाकर ही राहत की सांस ली। निर्भया की मां ने इस दौरान दर्द भरे दिन गुजारे, सैकड़ों रातें बिना नींद के निकाली, नाते रिश्तेदारों के ताने तक सुने, और तो और विरोधी पक्ष के वकील और कई पॉलिटिशियन की ऐसी ऐसी बातें सुनी जो किसी का भी दिल चीर कर रखते। बेटी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोर्ट की हियरिंग में जो जो लांछन बेटी पर लगे वो किसी को भी बुरी तरह तोड़ कर रख दे। मगर निर्भया की मां ने कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार लगी रही, डटी रही, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना, मुजरिमों को फंदे तक पहुंचाना। और अकेली मां ने सबसे लड़कर अपनी बेटी को न्याय दिलाया और न्याय दिलाकर ही राहत की सांस ली। और इधर सुशांत का परिवार है, 4 बहनें हैं, उनके हस्बैंड हैं, सभी अच्छे पदों पर हैं, कोई वकील है, कोई बड़े पुलिस ऑफिसर है, कोई अमेरिका में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार के एक भाई तो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। फिर भी परिवार की तरफ से अब तक कोई आवाज नहीं उठाई गई। बस एक बहन ट्विटर पर अच्छी अच्छी पोस्ट करती है, सुशांत के अनसीन फोटोज अपलोड करती है, मगर ऐसे इंसाफ कभी नहीं मिलता। जबकि फैंस की तरफ से परिवार को बहुत सपोर्ट किया गया है, परिवार ने तो अब तक महज एक FIR दर्ज करवाने के अलावा कुछ नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि सुशांत का परिवार कभी अपने बेटे और भाई के लिए खुलकर सामने आया ही नहीं, जिस तरह से परिवार को आना चाहिए था। क्योंकि फैंस कितना भी शोर मचा ले, कितनी भी जस्टिस की लड़ाई लड़ ले, मगर कोर्ट और कानून जितनी तरजीह परिवार की बातों को देगा, उतना कभी भी सिर्फ फैंस की आवाज को नहीं देगा। क्योंकि परिवार का पक्ष, परिवार की आवाज कोर्ट के लिए बहुत मायने रखती है। अब ये ही सब सवाल सुशांत के परिवार पर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि परिवार 8 महीने बाद भी चुप्पी साधे हुए है, और परिवार की ये खामोशी हर किसी को चुभ रही है। सबका एक ही सवाल है कि क्या परिवार को सुशांत के लिए इंसाफ नहीं चाहिए? क्या परिवार को नहीं लगता कि सुशांत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? चलिए मान भी लेते हैं कि सुशांत ने खुद को मारा, मगर हर आत्महत्या का भी एक हत्यारा होता है, तो क्या परिवार नहीं जानना चाहता कि सुशांत को 14 जून तक पहुंचाने में किसका हाथ है? क्या परिवार गुनहगारों को सजा नहीं दिलाना चाहता? वैसे ऐसा नहीं है कि परिवार ने कष्ट नहीं सहे, सहे हैं। बहनों पर फेक FIR हुई है, पिता को बीमारियों ने जकड़ लिया, मगर किसी एक मंजिल तक पहुंचने के लिए कष्ट तो सह नहीं पड़ते हैं। इंसाफ की लड़ाई आसान होती तो बात ही क्या थी, ये डगर बहुत मुश्किल है, और न्याय तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, या कह सकते हैं एक पूरी जंग लड़नी पड़ती है, जिस तरह से निर्भया की माँ आशा देवी ने लड़ी। फैंस को उम्मीद है कि परिवार बोलेगा और ऐसा कुछ जरूर बताएगा जो कि सुशांत के केस के लिए अहम साबित होगा। वैसे फैंस को ऐसा भी लगता है कि कहीं परिवार पर कोई दबाव तो नहीं है, बॉलीवुड माफिया या फिर दुबई की तरफ से परिवार को धमकियां तो नहीं मिल रही? आखिर इस लंबी चुप्पी की वजह क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, और सब चाहते हैं कि परिवार बोले ताकि फैंस को भी ताकत मिले, फैंस को भी आगे तक लड़ने की हिम्मत मिले। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।